हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश विद मास्टर क्लासेस। टुडे आई एम गोना टेल अबाउट हाउ टू यूज़ अ गेट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वे फॉर यूजिंग टू गेट। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। लाइक दैट एग्जांपल, गेट अहेड, आप आगे निकल जाना। जैसे स्टडी वगैरह में बहुत ही आगे निकल जाने पर हम इस स्टडी वगैरह करने से हम कुछ सब्जेक्ट बहुत ही आगे निकल जाते हैं, तब की कंडीशन में हम गेट अहेड ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, राम हैज़ गॉट अहेड ऑफ सैम इन मैथमेटिक्स। राम हैज़ गॉट अहेड ऑफ सैम इन मैथमेटिक्स। राम सैम से मैथमेटिक्स में बहुत ही आगे निकल गया। नेक्स्ट, गेट ऑल डोल्ड अप, बहुत सज धज कर तैयार होना। गेट ऑल डोल्ड अप, बहुत ही सज धज कर तैयार होना, तब की कंडीशन में इसका यूज़ होना। जैसे जब किसी भी लेडी की बात हो या किसी व्यक्ति की, जब भी उन्हें कोई पार्टी या फेयरवेल में जाना होता है तब वह बहुत ही सज धज कर जाती है, तब उस कंडीशन में इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, सी गेट्स ऑल डोल्ड अप व्हेन सी गेट्स रेडी टू गो टू पार्टीज। वह बहुत ही सज धज कर तैयार होती है जब उन्हें पार्टी में जाना होती है। नेक्स्ट, गेट अवे विद, गेट अवे विद, बुरा काम करके सजा से मुक्त रहना। गेट अवे विद, बुरा काम करके सजा से मुक्त रहना। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुरा काम किया हो और वह सजा से मुक्त होकर बेफिक्र इधर उधर घूमता हो, इस कंडीशन में इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, यू कांट चीट मी लाइक दैट एंड गेट अवे विद इट। तुम मुझे धोखा देकर नहीं भाग सकते या तुम मुझे धोखा देकर नहीं बच सकते, इस कंडीशन में सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, गेट बाय हर्ड, नेक्स्ट यूज ऑफ गेट, गेट बाय हर्ड, जबानी याद करना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो उसे बहुत ही जल्द वह जबानी याद हो जाता है, उसे कुछ भी हो वह बहुत ही जल्दी जबानी याद हो जाता है। जैसे पोयम हो गया, सॉन्ग्स हो गए या कविता हो गए, ये जो होते हैं बहुत ही उनको जबानी याद हो जाता है, तब की कंडीशन में हम गेट बाई हर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, हैव यू गॉट द होल पोयम बाई हर्ट, क्या तुम्हें पूरा कविता जबानी याद हो गया है। हैव यू गॉट द होल पोयम बाई हर्ट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर गेट, गेट डाउन टू, गेट डाउन टू मीन्स होता है काम को गंभीरतापूर्वक आरम्भ करना, कोई भी काम को गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। गेट डाउन टू मीन्स होता है काम को गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। अस वी हैव हैड इन आवर्स रेस्ट, गेट डाउन टू बिजनेस। जैसे हम एक घंटे आराम कर लिए हैं, हम एक घंटे तक आराम कर लिए हैं, अब हमें गंभीरतापूर्वक काम को काम में लग जाना चाहिए, अब हमें गंभीरतापूर्वक से काम में लग जाना चाहिए या काम को करना चाहिए, इस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। गेट इवन विद, बदला लेना। गेट इवन विद मीन्स होता है बदला लेना। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मजाक या बेइज्जती करता है तो कहीं उस व्यक्ति को उसका बात बहुत ही बुरा लग जाता है, या उस व्यक्ति को बहुत ही बेइज्जती फील होने लगता है, गिल्टी फील होने लगता है, तब की कंडीशन में वह व्यक्ति उसे बदला लेने के लिए इस सेंटेंस का यूज कर सकता है, गेट इवन विद, बदला लेना। नेक्स्ट यूज ऑफ गेट, गेट होल्ड ऑफ, गेट होल्ड ऑफ मीन्स होता है मतलब समझ पाना। गेट होल्ड ऑफ मीन्स होता है मतलब समझ पाना। यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ समझाना चाहता है पॉइंट ऑफ व्यू और हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समय बाद हमें उस पॉइंट का समझ में आ गया वह क्या कहना चाह रहा था, तब हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई वाज क्विट फॉर फ्रॉम द स्टेज एंड कुडंट गेट होल्ड ऑफ व्हाट द स्पीकर्स वाज सेइंग। आई वाज क्विट फॉर फ्रॉम द स्टेज एंड कुडंट गेट होल्ड ऑफ व्हाट द स्पीकर्स वाज सेइंग। मैं मंच से थोड़ा दूर था और जो वह कह रहा था मैं नहीं समझ सका, और जो वह कह रहा था, वक्ता जो बोल रहा था, मैं वह नहीं समझ सका, तब की कंडीशन में सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। गेट इनटू अ शॉप, झंझट में पड़ना। गेट इनटू अ शॉप
मीन्स होता है झंझट में पड़ना. यू विल गेट इन टू अ शॉप, गेट यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज लाइक दिस. यदि तुम अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, लापरवाही पूर्वक पढ़ाई करोगे, तो तुम बहुत ही झंझट में पढ़ सकते हो जब पढ़ोगे. इस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं. गेट वंस नेवर, गेट वंस नेवर, तंग करना या परेशान करना. सी टॉक सो मच दैट सी गेट्स ऑन माई नर्वस, वो बहुत ही ज़्यादा बात करती है, उसकी बात करने से मैं परेशान हो सकता हूँ या हो जाऊँ. गेट ऑन विद, काम चालू करना या साथ रहना. गेट ऑन विद, काम चालू करना या साथ रहना. नरेश एंड आई गेट ऑन विद, नरेश एंड आई गेट ऑन विद, नरेश और मैं, हम दोनों एक साथ अच्छे से रहते हैं, काम चालू करते हैं.